चिक 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 करती आ गई है हमारी सास बहू और बेटिया की सीरियल एक्सप्रेस। इंजन की आवाज सुनी आपने, मतलब ये ट्रेन निकलने वाली है, मतलब फटाफट अपनी सीट पकड़ लीजिए और अपने फेवरेट सीरियल्स के स्टेशन पर घूम लीजिए फटाफट। एन टीवी के सीरियल भाभी जी घर पर है में तिवारी जी के घर पड़ गई है इनकम टैक्स की रेड और खुल गई है तिवारी जी की पोल। तिवारी जी ने पैसे कहां कहां छुपाए थे सब विभूति और उनकी टीम को पता चल गया है और सभी पैसे निकालने में लगे हैं। असल में तिवारी ने अनिता भाभी के सामने खूब लंबी लंबी हाँकी थी और अनिता भाभी से कहा था कि वो बहुत पैसे वाले हैं और ऐसे में अगले ही दिन विभूति और उनकी टीम पहुंच गई रेड मारने के लिए और ऐसे में तिवारी जी की हालत हो गई खराब। लेकिन इस सिचुएशन में भी अंगूरी भाभी विभूति के साथ फोटो खिंचवाने में लगी है। हाँ, कुछ अजीब सी गलती हो गई एक्चुअली। भभूति जी को नीचा दिखाने के चक्कर में और अनीता भाभी की नज़रों में ऊपर उठने के लिए हमने भभूति जी के सामने ये कह दिया कि हमारे पास बहुत धन दौलत है, हमारा इतना प्रॉफिट है, बहुत सारा पैसा जो है सोफे में हमने रखा हुआ है और बहुत सारा बाथरूम में है, खंभों में तक पैसे हैं भाभी जी, गाँव में ज़मीन है, जायदाद है, इनके पास क्या है, ये तो नल्ले हैं, ये है वो है। तो ये इस चक्कर में जो है हमारा जो है बिजनेस ठप हो गया एकदम से, अचानक जो है पता नहीं कहाँ से ये रेड पड़ी और किस मनुष्य ने रेड डाली है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। मनुष्य नहीं है वो, तुम्हारा भूतपूर्व नौकर टिल्लू है जो अब इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुका है। एक ये कमी ना है, हमसे तनख्वाह ना पाने का बदला ले रहा है। जी बिल्कुल, घर का भेदी लंका ढाए वो यही है। कसम से कह रही हूँ, इतना तो रावण ने परेशान ना किया होगा विभीषण को जितना ये करे अपने टिल्लू को। कम्बागत मारा भुतनी का 6 महीने की तनख्वाह मारे बेटा, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, मौका मिल गया, सारे जो दिल के दर्द है ना वो सब निकाल लिया हूँ, बदला ले रही हूँ, नोट निकाल लिया हूँ। मेरे बेटे तूने मेरा नमक खाया, नमक का कुछ तो अदा कर दे बेटा। कर तो रहा हूँ, इनकम टैक्स की रेट पड़वा रही हूँ। मतलब इतना भी इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है और नीचे से पैसे का कुछ गड्ढी जेब में डाल के टॉयलेट में आ रहा है। जो वो क्या होती है ना कि कुछ फितरतें होती हैं वो बदलती नहीं है, दरअसल वो वाली बात है। ये भी तो एक छोटे से नौकर थे, पहले गल्ले पे बैठते थे, नोट निकाल के ऐसे जाते थे, अब मालिक बन गए, पता नहीं किसकी बददुआ से। सर ज्यादा बोल रहे थे। छुपाएंगे कहाँ पे? वो छुपने देंगे तो अपना वो मोटा भी गेंडा साथ में भेजा उन्होंने। वो गेंडा जाएगा पीछे पीछे बाथरूम में और वो जो है अंदर तक घुसेगा और फिर हम उसे वृतांत सुनाएंगे कि मेरे बेटे सुन, मैं तेरी रेड से मतलब तुझे ये नहीं कह रहा कि तू मत कर, लेकिन कल हमने चने खाए थे, उसके बाद जो है हमने घुइया के कोफ्ते भी खाए हैं, रायता भी पिया है, अब अंदर तो चलेगा तो ऐसा रायता फैलेगा कि तेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए तू अब देख ले तुझे क्या करना है। फोटो खिंचा रही है और जूस अलग से पिला रही है सबको, वो तो है बड़ा मौरत है। अंदर की बात ये बताएं कि जो हमसे जगह छोड़ चुकी है ना भाभी, बताए आज दैया वो पौधा तो देख लो, वो गमला तो देख लो, वो आटे का कनिष्ठर तो देख लो। तो खुद पति के पीछे पड़ी हुई शरबत पी रहे हैं, मजे से ठाट मुर्गी टांगे तोड़ रहे हैं और छापा मार रहे हैं। सोनी टीवी के सीरियल मेरे साई में जल्द ही आने वाला है लीप और लीप के बाद बदल जाएंगे साई बाबा। पहले अभी सूफी साई का किरदार निभा रहे थे लेकिन अब साई बाबा का किरदार निभाएंगे तुषार दलवी और इसी के साथ आगे बढ़ेगी साई बाबा की कहानी। कलर्स के सीरियल बहु बेगम में शुरू हुआ नूर का नया ड्रामा, देखे तो जरा कैसे वो अपनी सासू माँ के पास जाकर उनसे अपने किए की माफी मांग रही है, उनके पैर दबा रही है, उनकी सेवा कर रही है ताकि सासू माँ नूर को माफ कर दे।